नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के फार्मूले का यूज करके सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरे पास एक फार्मूला दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके सवाल को हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मेरे पास एक सवाल दिया है, दोस्तों साइन स्क्वायर 60 अंश। क्या दिया है बच्चों? साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश दे दिया है। आपसे पूछा जाए इसका मान ज्ञात करना। दोस्तों आपसे पूछा जाता है इसका मान ज्ञात करना, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन 60 का मान रखना है। क्या होता है साइन 60 का मान दोस्तों? कितना होता है? अंडर रूट 3/2 होता है। स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान दोस्तों कितना होता है? 1/2। यहाँ स्क्वायर लगा है, इसको भी हम स्क्वायर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हम खोलते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 3/2, इसकी गुणा कर देंगे अंडर रूट 3/2, दो बार लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 1/2 गुणे 1/2 लिख देंगे, ऊपर की गुणा ऊपर से कर देंगे, रूट की रूट से गुणा करेंगे तो रूट मेरा कट जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, प्लस 1 × 1 = 1, नीचे 2 × 2 = 4। अब इन दो मेरे पास परिमेय संख्या, इनको मुझे जोड़ना है। तो आप लोगों को परिमेय संख्याओं को जोड़ना आता है। अगर दो परिमेय संख्या हो चाहे तीन परिमेय संख्या हो, उनको अगर जोड़ना हो या घटाना हो तो उसके अगर हर बराबर है तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। अगर हर बराबर दिए हैं तो मुझे उस हर को एक बार लिख देना है, ऊपर जो संख्याएं दी हैं उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। 3 × 1 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 4। ये 4 से कट जाएगा, कितना आ गया? ये 1 आ गया। ये आपको फार्मूले का यूज अभी नहीं किया है, इसमें मैंने अभी मान भरकर इसका आंसर निकाला है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हैं तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे लगने वाला है ध्यान से समझना है। सवाल दिया है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश। मैंने आपसे कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर के साथ में जितना कोण दिया है और बीच में प्लस लगा है, ठीक है, वही कॉस स्क्वायर के साथ में वही कोण दिया है, तो मुझे इन चीजों की लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इन दोनों कोणों, इनके दोनों के कोण बराबर हैं और दोनों में स्क्वायर लगा है, तो उसका मान हमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। कितना कर देना है? अरे 1 कर देना है। क्यों? ये मेरे पास फार्मूला है, ये सर्वसामिका है। सर्वसामिका मुझे यही बता रही है कि अगर साइन स्क्वायर को हम साइन के स्क्वायर को जोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर को भी जोड़ देंगे, अगर इन दोनों कोणों के मान सेम दिए हैं तो उसका मान 1 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। दूसरा सवाल अगर आ जाए साइन स्क्वायर 45 अंश, बच्चों क्या आ जाए? साइन स्क्वायर 45 अंश और ये कॉस स्क्वायर 45 अंश आ जाता है। और आपसे पूछा इसका मान बताओ, ये 1 सेकेंड में बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? 1 सेकेंड में कैसे बताएंगे? कहेंगे भैया साइन स्क्वायर के साथ में जो भी कोण दिया है वही कोण कॉस स्क्वायर के साथ में दिया है और बीच में प्लस हो तो क्या होगा, इसका मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है सर्वसामिका एक फार्मूला दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मतलब इनके जब कोण बराबर हैं और दोनों में स्क्वायर लगा है, बीच में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर तीसरा एग्जाम्पल देख देते हैं, देखिए बच्चों क्या होता है, अगर आ जाए कॉस स्क्वायर 90 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 अंश का मान ज्ञात करो। साइन स्क्वायर 90 अंश का और कॉस स्क्वायर 90 अंश का मान ज्ञात करो, तो मुझे क्या करना है? चाहे भैया साइन स्क्वायर यहाँ प्लस पहले दिया है, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस पहले दिया है बाद में दिया है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चाहे पहले हो चाहे बाद में, क्योंकि ये दोनों क्या है प्लस में, इनको इधर उधर बदलने से इसके मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसमें यहाँ साइन स्क्वायर के साथ में जो कोण दिया है वही कॉस स्क्वायर के साथ में दिया है, इसलिए इसका मान बच्चों कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके आप कठिन से कठिन सवालों के आंसर मात्र 2 सेकंड में दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।